नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिंपल फ्राइड राइस बनाने वाले हूँ। तो देखिए मैं कैसे, मैं कढ़ाई गरम कर लिया हूँ। तो अभी थोड़ी सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा जीरा और थोड़ा राई का दाना डाल रही हूँ। थोड़ी सोटे होने देते हैं। अभी थोड़ा लहसुन और थोड़ी प्याज डाल के थोड़ा भून लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल, बिना मसाला के थोड़ी सी मसाला डाली हूँ, कोई पीसा हुआ मसाला नहीं है। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ी छटे होने देते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी सी पिंकिश पिंकिश सा कलर आ जाता है ना प्याज में, उतना ही बनाना है बस। कर देती हूँ थोड़ी। देखिए मेरा प्याज भून चुका है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा टमाटर ऐड कर देती हूँ। 2 मिनट लगे प्याज को भूनने में, लो टू मीडियम में प्याज भून लीजिएगा। अभी टमाटर डाल दूँगी, अभी थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें 1 मिर्च ऐड कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। एक ही बार में डालना है, चावल डालने के बाद नमक हल्दी ऐड नहीं करना। अभी डाल दूँगी तो कलर अच्छी आएगी। अभी मैं थोड़ी पानी डाल देती हूँ इसमें, जल्दी से पक जाए। मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। और इसमें मेरे पास देखिए मछली का अंडा था, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं ढक दिया हूँ, ढक कर पका रही हूँ। देखिए करीब करीब पक चुका है, पकते हैं। मैं अभी थोड़ी सी तेल और डाल दूँगी। करीब 1 से 2 मिनट लगे हैं टमाटर पकने में। टमाटर पक गए हैं। और ये देखिए, एक दाल का बचा हुआ चावल था, तो अभी मैं इससे फ्राइड राइस बनाऊंगी। थोड़ी तोड़ लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। डाल दिया, देखिए तो बहुत बढ़िया बनती है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर वेज खाना खाते हो तो जो फिश अंडा है फिश कैसे आप स्किप कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगी। वो भी इसका स्वाद कम नहीं बनेगा, इसका स्वाद अच्छी बनेगी, अच्छी रहेगी। आप इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। धनिया का पत्ता है घर में, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता धनिया का पत्ता। बच्चे खाएँगे तो वो लोग पसंद नहीं करते हरा हरा पत्ता होता है, इसलिए थोड़ी देर पकने देती हूँ। देखिए चटक चटक की आवाज़ आ रही है। इसमें आप चाहे थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, तो बढ़िया टेस्ट आएगी। और आपके पास सॉस हो, टमाटर का सॉस, सोया सॉस, वो भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो वो लोग ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं सिंपली बना रही हूँ। देखिए कटके पर पक चुका 2 मिनट। तो पूरा प्रोसेसिंग में ऐसे 5 मिनट का टाइम लगी, 5 मिनट से बन के तैयार हो गया। कटके पक चुका है, थोड़ी देर और पका लेती हूँ। करीब करीब पक चुका है। मैं इसमें वो टमाटर जब पका रही थी तब एक मैगी का पाउच डाल दिया था, नूडल का। बच्चों को खाने वाला जो नूडल होते हैं उसके अंदर जो पाउच रहते हैं मसाला का, वो डाल दिया था। तो उसमें वो क्या है, बच्चों के लिए बना रहे थे तो उसे पसंद आएगी। इसको देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया, खुद लग के खा रही थी। Thank you.
मेरी काल का रखा हुआ चावल तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा हार्ड सा हो गए हैं तो अभी साइड डिश करती हूँ तो बच्चे लोग खा लेंगे। ये देखिए मैं उतार लिया हूँ तो इतना सुंदर बने हैं, आप एक बार बना के जरूर देखिएगा और कैसा बनी है। अच्छी लगी तो लाइक करना।